अंतरिक्ष में हर दिन नए अनुसंधान सामने आ रहे हैं। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं ताकि ब्रह्मांड की हर गुत्थी को सुलझा सकें। इस काम में भारत के वैज्ञानिक तेजी से अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। अब जो नई खबर सामने आ रही है वो भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है, क्योंकि एक भारतीय वैज्ञानिक ने बड़ा कमाल किया है। उनकी एस्ट्रोनॉमर्स टीम ने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो पृथ्वी की तरह न केवल रहने लायक है बल्कि आकार में भी धरती से दो गुना है। यानी अगर धरती पर स्थितियां बिगड़ी तो आप भागकर इस ग्रह पर बसने की सोच सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक इस खोज के साथ ही उम्मीद जता चुके हैं कि यह विज्ञान जगत के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस ग्रह पर मानवीय बस्तियां बसाई जा सकती हैं। कैसे हुई इस धरती जैसे ग्रह की खोज? ये खोज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर निक्कू मधुसूदन की अगुवाई में की है। इस टीम ने ग्रह की परिधि और आकार प्रकार के साथ वातावरण पर रिसर्च किया है। उसका नाम फिलहाल K2-18b दिया गया है। वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि इस ग्रह पर न केवल जीवनदायी हवा मौजूद है बल्कि बड़ी मात्रा में द्रव्य पानी भी है। इसके वातावरण में जीवन के लिए जरूरी हाइड्रोजन भी है। हालांकि इस ग्रह को लेकर भी एक बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत है दूरी वाली, यानी K2 नाम का ये ग्रह जहां जिंदगी के लिए जरूरी हालात मौजूद हैं वो हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर है। वैसे उसके आकार के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी परिधि पृथ्वी से 2.6 गुना है। इसका द्रव्यमान भी हमारे ग्रह की तुलना में 8.6 गुना ज्यादा है। इस ग्रह का तापमान ऐसा है जिसमें पानी की मौजूदगी बनी रहती है। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है ये ग्रह। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का है। पिछले साल दो अलग वैज्ञानिकों की टीमों ने इसका अध्ययन करके बताया था कि हाइड्रोजन की बहुतायत वाले इस ग्रह में पानी की बूंदें नजर आई हैं। हालांकि इस ग्रह के बारे में अभी बहुत कुछ पता लगाने की जरूरत है, मसलन कि इसके अंदरूनी हालात कैसे रहते हैं। वैज्ञानिक इसे सुपर अर्थ भी कह रहे हैं। ये हाइड्रोजन की परत से लिपटी हुई है और पृथ्वी जैसे हालात भी माने जा रहे हैं। कैम्ब्रिज एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर निक्कू मधुसूदन की अगुवाई वाली टीम ही इस पर नजर रखे हुए है। वो लगातार इस ग्रह का अध्ययन कर रही है। उनका कहना है कि ग्रह के वातावरण में शर्तिया तौर पर पानी के कणों का पता चला है। बेशक इसके हालात बताते हैं कि ये रहने लायक है, लेकिन इसके बाद इसकी सतह की स्थितियां कैसी हैं इसका पता लगाया जाना है। खनिजों का खजाना है ये ग्रह। वैज्ञानिकों ने इसे मिनी नेपच्यून जैसा भी बताया है कि ऐसा लगता है कि ग्रह पर हाइड्रोजन और पानी के अलावा चट्टाने और लौह अयस्क भरा हुआ है। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित नई स्टडी के अनुसार K2-18b नाम के इस ग्रह के हाइड्रोजन से लिपटा होने के बाद ये जानना होगा ये कितना मोटा है और इस पानी की सतह कैसी है। जरूरी नहीं है कि इनकी मौजूदगी स्थिति ग्रह पर जिंदगी को मदद करने वाली हो। खगोल शास्त्रियों ने इस ग्रह पर दूसरे रसायनों मसलन मिथेन और अमोनिया की सतह भी पाई है, वो अपेक्षा से कम है। लेकिन ये सतहें जैवकीय प्रक्रिया में कितना योगदान दे सकती हैं इसका अंदाजा अभी लगाया जाना है। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस अधिकतम हाइड्रोजन की जरूरत ग्रह के द्रव्यमान के अनुपात में होना चाहिए वो 6% है। पृथ्वी पर भी इसका अनुपात यही है। पृथ्वी के बाहर तलाश क्यों जरूरी है? मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपने निधन से पहले अपने एक शोध में कहा था कि पृथ्वी पर जीवन के जरिए जरूरी चीजें अगले 100 सालों में खत्म हो सकती हैं। पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा और ये रहने लायक नहीं रहेगी। तब मनुष्यों को किसी नए ग्रह की जरूरत होगी, लिहाजा हमें उसकी तलाश में लग जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रहों पर
जीवन की तलाश में जुटे हैं, जिनमें उनको सफलता भी हाथ लग रही है। कैप्लर 62F। साल 2013 में नासा वैज्ञानिकों ने कैप्लर नाम का एक ग्रह खोजा था, जिसका वातावरण भी पृथ्वी सरीखा बताया गया, लेकिन वो काफी दूर है। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से करीब 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित कैप्लर 62F नामक ग्रह की खोज की थी, जिसके बारे में कहा गया कि वहां जीवन होने की संभावनाएं हैं। इस ग्रह और धरती के बीच ऐसी कई समानताएं हैं जो इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को प्रबल बनाती हैं। लेकिन ये ग्रह भी धरती से करीब 1200 प्रकाश वर्ष दूर है और 40 गुना बड़ा है। GJ536B ग्रह। वैज्ञानिकों ने कुछ वक्त पहले एक और सुपर अर्थ की खोज की थी, जिसका वजन धरती से 5.4 गुना अधिक है। इस ग्रह को GJ536B नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के नजदीक के एक बेहद चमकीले तारे के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और करीब 33 प्रकाश वर्ष दूर है। GJ536B तारों के आवासीय क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन 8.7 दिनों का इसका संक्षिप्त परिक्रमण काल और इसकी चमक इसे एक आकर्षक पिंड बनाती है। कैप्लर 452b। अप्रैल 2014 में नासा के कैप्लर मिशन ने धरती जैसा ग्रह मिलने की पुष्टि की थी। इस ग्रह का आकार भी पृथ्वी के बराबर है। यह ऐसी जगह स्थित है जहां इंसानों के रहने के अनुकूल माहौल है। कैप्लर 452b का व्यास पृथ्वी से 60% ज्यादा है, लेकिन इसका ऑर्बिट महज 5% लंबा है। ये ग्रह 385 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। ऐसी संभावना जताई गई है कि इस ग्रह की सतह पथरीली है और यहाँ पर काम भर सूरज की किरणें पड़ती हैं, ताकि जीवन की उम्मीद रहे। यहाँ का तापमान न तो ज्यादा ठंडा है न ही ज्यादा गर्म। सुपर अर्थ GJ357D। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने ऐसी विशेषता वाला पहला ग्रह खोजा था जो रहने योग्य हो सकता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर मिला था। हमारी धरती से करीब 31 प्रकाश वर्ष दूर है। इस सुपर अर्थ ग्रह को GJ357D नाम दिया गया है। इस ग्रह की खोज नासा के सैटेलाइट से की गई। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS के जरिए यह ग्रह खोजा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के आकार वाले बर्फीले ग्रहों पर भी कुछ क्षेत्र रहने योग्य हो सकते हैं। दूरी बनती है बड़ी समस्या। अब बात करते हैं इन सुपर अर्थ ग्रहों की धरती से दूरी की, जो सबसे बड़ी समस्या है। बताया जा रहा है कि K2-18b धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष 5.88 खरब मील के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से छोड़ा जाए तो इस ग्रह पर पहुंचने में उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, क्योंकि प्रकाश की गति 670 अरब मील प्रति घंटा होती है और अभी का सबसे तेज गति से चलने वाला मानव रहित अंतरिक्ष यान है न्यू हॉरिजन, जो 35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यानी दूसरी धरती पर पहुंचने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। इस तरह सुपर अर्थ तक पहुंच पाना कल्पना तक ही सीमित है।